strong. नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेके आया हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, इसका प्राइस तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसके फाइनेंशियल जान लेते हैं, क्योंकि इसके फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं और इसके हम बैलेंस शीट को भी देखेंगे। यहाँ हम सबसे पहले इसके फाइनेंशियल देखेंगे और उसमें हम रेवेन्यू देखते हैं। देखिए, यहाँ रेवेन्यू बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं। देखिए, यहाँ जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए, यहाँ 3806 करोड़ के 2018 में, 4705 करोड़ के 2019 में और 4186 करोड़ के 2020 में, 4506 करोड़ के 2021 में और 6999 करोड़ के 2022 में रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जो कि काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। अगर वहीं दोस्तों हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो देखिए, जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 346 करोड़ का 2018 में, 504 करोड़ का 2019 में, 546 करोड़ का 2020 में, 535 करोड़ का 2021 में और 1307 करोड़ का 2022 में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर वहीं दोस्तों हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो देखिए, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 40.95 का 2018 में, 60.39 का 2019 में, 30.77 का 2020 में, 30.04 का 2021 में और 36.06 का 2022 में देखने को मिलता है। अगर वहीं दोस्तों हम इसकी बुक वैल्यू पर शेयर को देखते हैं तो देखिए, जो बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। 203.56 की 2018 में, 313.18 की 2019 में, 176.36 की 2020 में, 201.71 की 2021 में और 163.18 की 2022 में देखने को मिलती है। देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ एक चीज़ को देखें तो यहाँ हमें बुक वैल्यू पर शेयर घटती हुई नज़र आ रही है, अगर हम 19 के मुकाबले 2022 की तरफ जाते हैं तो। अगर दोस्तों हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है 21.1 की 2018 में, 18.69 की 2019 में, 17.99 की 2020 में, 14.94 की 2021 में, 22.10 की 2022 में देखने को मिलती है। अगर दोस्तों डेट टू इक्विटी को देखें तो देखिए, जो डेट टू इक्विटी देखने को मिल रही है 1.22 की 2018 में, 0.80 की 2019 में, 0.61 की 2020 में, 0.71 की 2021 में और 0.37 की 2022 में देखने को मिलती है, जो कि लगातार घट रही है। दोस्तों, यहां मैंने आपके सामने यहां इसकी बैलेंस शीट खोल रखी है जो कि पिछले 5 साल की है, 2018 से 2022 तक की आपके सामने बैलेंस शीट खुली हुई है। यहां देखने से पता चलता है जो शेयर कैपिटल हैं 2018 में 40 करोड़ के शेयर कैपिटल दिखाई दे रहे हैं, वहीं ये बढ़कर 181 करोड़ के 2022 में हो गए हैं। और देखिए, यहाँ पे अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो जो 1537 करोड़ के देखने को मिल रहे थे 2018 में, वही 2022 में देखते हैं तो अब 5733 करोड़ के हो गए हैं। और अगर करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो देखिए, जो करंट लायबिलिटीज़ हैं इसकी वो भी बढ़ी हैं और 1586 करोड़ से ये 2336 करोड़ हो गई हैं। लेकिन अगर हम सरप्लस को देखें, जो सरप्लस बढ़ा है उसके मुकाबले में करंट लायबिलिटीज़ काफ़ी कम देखने को मिल रही हैं। अगर दोस्तों हम इसमें टोटल लायबिलिटीज़ देखें तो जो 2018 में हमें देखने को मिल रही थी 4327 करोड़ की, वही बढ़कर 9672 करोड़ की टोटल लायबिलिटीज हो गई हैं। दोस्तों, इसके पिछले 5 साल के असेट्स भी देख लेते हैं। जो फिक्स असेट्स देखने को मिल रहे हैं 2433 करोड़ के 2018 में देखने को मिलते थे, वही 5908 करोड़ के हो गए हैं बढ़कर 2022 में। करंट असेट्स देखें तो 1620 करोड़ के थे, वही 3278 करोड़ के हो गए हैं। और अदर असेट्स 272 करोड़ के थे, 490 करोड़ के हो चुके हैं 2022 में। अगर दोस्तों हम इसमें टोटल असेट्स देखें तो देखिए, 4327 करोड़ के टोटल असेट्स थे जो कि 2018 में
9672 करोड़ के हो गए हैं 2022 में। और अगर हम इसकी कंटीजेंसी लाइबिलिटीज की बात करें तो देखिए 202 करोड़ की थी 2018 में, आज 1008 करोड़ की हो गई हैं 2022 में। तो ये लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और यही कारण है कि ये शेयर इतने कंप्रेस। दोस्तों इसके शेयर चार्ट को भी देख लेते हैं, शेयर चार्ट किस प्रकार का है। और जहां देखिए ये 669 के प्राइस पे एक महीने पहले देखने को मिल रहा था और वहां से दोस्तों ये 669 से गिर के आ रहा है और अब आपको 629 पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो एक महीने में गिरावट दिखाई है, इसने 6% की गिरावट में है पिछले एक महीने में। अगर वहीं दोस्तों इसके पिछले हम 6 महीने पहले की बात करें, पिछले 6 महीने पहले जो इसका प्राइस देखने को मिल रहा था 688 का प्राइस था, 688 से दोस्तों ये नीचे आया है और अब जिस समय 629 के प्राइस पे देखने को मिला, जो यहाँ इसने हाई बनाया था दोस्तों, ये 908 का हाई बनाया था और वहाँ से देखिए दोस्तों ये अब इस समय बहुत बड़ी गिरावट में है। और जो हमें पिछले 6 महीने में गिरावट देखने को मिल रही है वो 8.63% की हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर वहीं दोस्तों हम इसके पिछले एक साल पहले की बात करें तो पिछले एक साल पहले ये देखिए 909 के प्राइस पे देखने को मिल रहा था पिछले एक साल पहले, और इसने जो हाई बनाया है दोस्तों ये यहाँ 1109 का हाई बनाता हुआ नज़र आया है दोस्तों, वहां से गिरकर आ रहा है और काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। और 1109 को देखा जाए और 629 को देखा जाए तो लगभग हमें 42-43% की इसमें गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। और यहां जो मंदी आई थी उसको देखते हुए दोस्तों ये बहुत बड़ी गिरावट है। दोस्तों जो इसने हाई बनाया था ये 1109 का हाई जो बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ये जनवरी 2022 की बात है, 1109 का जो हाई बनाया उसके बाद में दोस्तों ये गिरावट में रहा। ये जो रसिया और यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बाद में लगातार ये गिरावट में चलता रहा है और अभी भी गिरावट में है दोस्तों। ये आपके लिए एक अच्छा हो सकता है कि अगर इसको थोड़ा सा हम देखते रहें और इस पर निगाह बनाए रखें और इसमें एंटर कर जाएं तो दोस्तों हमारे लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। दोस्तों जो इसने पिछले अभी तक जो रिटर्न निकाल के दिए हैं दोस्तों, उसको देखते हुए तो इसको एंटर करने में हमें जो है बहुत बड़े फायदे की आशा दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी ऊपर तक गया था, वहाँ से दोस्तों नीचे आ रहा है तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम इसे पिछले 5 साल में देखें तो देखिए पिछले 5 साल में जो तेज़ी दिखाई है इसने 132% दोस्तों ये ऊपर गया है और वहाँ से दोस्तों ये गिरावट में है, 132% ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसने हाई बनाया था दोस्तों 1109 का हाई बना के दोस्तों ये गिरावट में आया है, तो यहाँ हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है दोस्तों। तो इसी वजह से मैं आपके लिए इस स्टॉक को लेके आया हूँ और यही बात थी, क्योंकि मैं इतने बड़े प्राइस के स्टॉक को आपके सामने ले के आया हूँ, तो यही कारण है कि मैं इस स्टॉक को इसलिए लेके आया हूँ कि आपका प्रॉफिट हो सके और आप इसमें अगर इस पर निगाह बना के रख सकते हैं दोस्तों, जब ये चढ़ना ऊपर शुरू हो उसी समय इसमें एंटर कर जाए और आप इसमें अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसके ऑल टाइम को देखते हैं तो देखिए ये ऑल टाइम को देखने से ये पता चलता है दोस्तों, यहाँ इसकी जो 1999 में जब इसकी NSE में शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये NSE में जब वो स्टॉक एक्सचेंज में आया था तो ये 1999 का वर्ष था और वहाँ केवल इसका प्राइस 1.08 रुपये का प्राइस हुआ करता था दोस्तों। वहाँ से देखिए 1.08 रुपये वाला शेयर आज हमें 629 रुपये में देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा इसने रिटर्न निकाल के दिया है। देखिए जो इसने 60,000% का इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है लगभग अभी भी, जो हाई बनाने के बाद में भी हमें 60,000% इसमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो स्टॉक 1 रुपये का था आज इतने बड़े लेवल पर पहुँचा है और लगातार इसने अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं, तो इसमें आप एंटर कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए बेटर हो सकता है दोस्तों।
इसके फंडामेंटल जानने से पहले कंपनी के नाम और काम के बारे में जान लेते हैं। कंपनी क्या काम करती है, कहाँ की ये कंपनी। देखिए, ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट गुजरात की कंपनी है और आरती इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का नाम है। देखिए, ये क्या प्रोड्यूस करती है और क्या मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। ये इज़ ए लीडिंग हाईली एंड इंटीग्रेटेड केमिकल मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस बेंजीन बेस्ड डाउन स्ट्रीम एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट रेंज ऑफ द कंपनी इंक्लूड पैरा नाइट्रो एनिलाइन, पैरा फ्लोरो एनिलाइन और एटेफलाइन, और ये है एमिनो फिनाइल एसिड फ्लाइन पाइपरेजाइन पैरा फ्लोरो नाइट्रोवेंजीन ऑर्थो फ्लोरो नाइट्रोवेंजीन क्लोरोफ्लोरोन एनिलाइन 2,4 डाइक्लोरोफ्लोरोबेंजीन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन। द कंपनी आल्सो इन द बिजनेस सेगमेंट ऑफ पैरासूटिकल्स स्पेशलिटी केमिकल होम एंड पर्सनल केयर केमिकल। देखिए, इसमें आपको मैंने प्रोडक्ट रेंज बताई इसकी, और तो इसमें बहुत सारे बेंजीन बेस्ड इसमें केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। दोस्तों, इसके फंडामेंटल जान लेते हैं। फंडामेंटल किस प्रकार से हैं, देखिए, ये 640 के प्राइस पे ओपन हुआ है, 640 का प्रीवियस क्लोज रहा है, और अपर सर्किट लिमिट इसमें 704 की रही है और लोअर सर्किट लिमिट 576 की रही है। अगर दोस्तों इसमें वॉल्यूम को देखें तो देखिए काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। जैसा स्टॉक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम हमें देखने को मिलते हैं। 843,679 के इसमें वॉल्यूम है और VWAP इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, 633.75 का है। मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, 22,805 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों। और देखिए, यहाँ हम अगर इसके 20-डे एवरेज वॉल्यूम को देख लेते हैं तो यहाँ 627,347 का 20-डे एवरेज वॉल्यूम है। 20-डे एवरेज डिलीवरी देखें तो देखिए यहाँ पर 269,354 की है, बेटा 1.20 का है। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है फंडामेंटल क्वालिटी सभी अच्छी हैं। अगर दोस्तों हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखें तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है 35.30 का अर्निंग पर शेयर है, PE 17.82 का है, PB 7.64 का है, सेक्टर PE 52.12 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 82.39 की है और फेस वैल्यू 5 की है। डिविडेंड यील्ड देखें तो देखिए इसमें 0.56 का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है, यहाँ हमें 14.29 का इसका PC है। अगर दोस्तों हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखें तो देखिए यहाँ पे हम प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए, इसमें लगातार हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है पिछले अगर जनवरी से अब तक की बात करें तो। वहीं दोस्तों अगर हम एक साल में देखें तो देखिए पूरे इसमें गिरावट ही देखने शो हो रही है, 0.36% की गिरावट। और देखिए पिछले अगर 3 साल को देखते हैं तो यहाँ 62.83% इसने थोड़ा सा रिटर्न निकाल के दिया है। अगर दोस्तों हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो देखिए जो वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देख रहे हैं, 9 लाख के वॉल्यूम एक दिन में, और पिछले दिन ये इसमें 10 लाख के थे, 7 लाख के वॉल्यूम एवरेज एक वीक में, और एवरेज एक महीने में हमें इसमें 7 लाख के वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए जो प्रमोटर है 44.16% इसमें प्रमोटर है, और FII 12.11% है, और DII इसमें 15.05% है। देखिए इसमें पब्लिक 28.67% पब्लिक है, और वहीं अगर अदर की बात करें तो 0.01% अदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम प्रमोटर की प्लेज एंड होल्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ 44.21% जो सितंबर में हिस्सेदारी थी प्रमोटर की, वही घटकर थोड़ी कम हुई है, और ये 44.16% हिस्सेदारी रह गई है और सितंबर 2022 में प्रमोटर की होल्डिंग की, और यहाँ प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों कंपनी के नाम और काम के बारे में एक बार फिर जान लेते हैं। देखिए, ये दोस्तों NSC का स्टॉक है और आरती इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और 629 रुपये के प्राइस पे हमें इस समय देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है।
दोस्तों और थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो स्टॉक की क्वालिटी है दोस्तों अब तक जिस तरीके के रिटर्न निकाल के दिए हैं उसको देखते हुए दोस्तों काफ़ी अच्छा है स्टॉक। और जो हमें जो भी गिरावट देखने को मिल रही है, हमें पिछले एक साल में ही गिरावट देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा पहले से इसमें गिरावट नहीं थी दोस्तों, और इसके चांसेस हमें आगे अच्छे प्रॉफिट के चांसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये 629 के प्राइस पर आया है, 1100 दोस्तों 1109 के प्राइस से गिर के, तो हमें आगे इसको प्राइस बढ़ता हुआ आगे देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी जानकारी और एक दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।